आज आपको बताऊंगी ये प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में, फर्स्ट हार्ट स्प्रे के यूजेस के बारे में। कोई भी हेयर स्टाइल आपने बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लेन लुक दिया है, या फिर कोई आपने इस तरह से पुलिंग दिया है, या फिर कोई आपने टेक्सचर दिया है, जब भी आप हार्ट स्प्रे एप्लीकेशन करें, कोई भी हार्ट स्प्रे की बात हो रही है, मैं यहाँ पे 5+ स्प्रे आपको दिखा रही हूँ, आप 5 नंबर भी ले लीजिए, 4 नंबर का ले लीजिए, कोई भी हार्ट स्प्रे ले लीजिए, मैं स्प्रे एप्लीकेशन कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बता रही हूँ। सो आप जब भी स्प्रे कर रहे हैं, ऑलवेज आपको स्प्रे को दूर से करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप स्प्रे करें आपको लाइट प्रेशर के साथ करना है, जैसे कि फोर्सली नजदीक से नहीं करना है, हेवी नहीं करना है। लाइट प्रेशर यानी कि जब आप यहाँ से प्रेस कर रहे हैं केक को, तो फुल प्रेशर से नहीं करना है। अच्छा, वो पता कैसे चलेगा? जैसे कि यहाँ पे 100% एनर्जी के साथ करूंगी, ये फुल प्रेशर हुआ और ये हुआ लाइट प्रेशर, दोनों में ये फर्क होता है। जब आप इस तरह से स्प्रे एप्लीकेशन करोगे तो डेफिनेटली आपके हेयर में आप जब हाथ लगाओगे तो हाथ आपका चिपक जाएगा। देखिए, अगर मैं ही ये गलती करूं, यहाँ पे मैंने हेवी स्प्रे एप्लीकेशन लगा दिया, अब मैं ही जब इस तरह से करूंगी तो मेरे हाथ भी चिपकेंगे, क्यों? क्योंकि तरीका गलत है। तो ऑलवेज आपको फर्स्ट चीज क्या करनी है, दूर से स्प्रे करना है, कोई भी स्प्रे करे दूर से करना है। जब भी आप हेयर स्टाइल बनाए, कोई भी हेयर स्टाइल बनाए, सब हेयर स्टाइल में सेम लॉ लागू होगा। थर्ड, जब भी आप स्प्रे करें ऑलवेज मूवमेंट के साथ करना है, दूर से करना है, लाइट प्रेशर से करना है और मूवमेंट के साथ करना है। 3 सीक्रेट आप ध्यान में रख लोगे तो जब भी आप हार्ट स्प्रे करोगे आपके हाथ हेयर स्टाइल में कभी भी नहीं स्टिक होंगे।